वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज के वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ को मेक और ब्रेक कर सकती है, समझ रहे हो। जमीन आसमान का फर्क आ सकता है आपकी लाइफ पे सिर्फ इस चीज़ की वजह से। तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वो ऐसी क्या चीज़ है, वो ऐसी क्या ट्रेट है हमारे अंदर जिसकी वजह से हमारी लाइफ या तो बहुत सक्सेसफुल हो सकती है या वो अपने आप में कंप्लीट फेलियर हो सकता है। तो वो जो ट्रेट है वो है दूसरों को ब्लेम करने का ट्रेट। जी हाँ, द ट्रेट ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। हम सबके अंदर ये ट्रेट रहता है कि हम अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करते, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्स में नंबर कम आते हैं बच्चों के, तो बच्चे क्या कहते हैं, मेरे टीचर्स ठीक नहीं है या फिर मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं है या मेरे घर में एनवायरनमेंट नहीं है पढ़ने का या मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे दोस्त मुझे पढ़ने नहीं देते, मेरे घर में मेरे भाई बहन ऐसे हैं कि मुझे पढ़ने नहीं देते। तो अब क्या हो रहा है, अब सब जगह आप ब्लेम दूसरों पर डाल रहे हो। आप ये नहीं कह रहे कि मेरे नंबर कम इसलिए आया क्योंकि मैं नहीं पढ़ा, कमी मेरे अंदर है, आप ये एक्सेप्ट नहीं करते। आप सारे के सारे, आप देखना, कोशिश करना, जब भी आप देखोगे कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप अपना ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेते, आप इमीजिएटली उसका ब्लेम आप दूसरों में देते हो। ठीक है, जैसे कि आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप वेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आप जंक फूड खा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन क्या करोगे, प्रॉब्लम आपके अंदर है, आप जंक फूड खा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन आप ब्लेम अपने ऊपर नहीं लोगे। आप ब्लेम किसको कर दोगे, आप ब्लेम कर दोगे कि मेरे घर के सामने पार्क ही नहीं है, मुझे तो टाइम नहीं मिलता, मेरे पेरेंट्स पूरा टाइम कहते हैं तू सिर्फ पढ़ा कर, तू एक्सरसाइज मत कर, या मेरे नंबर कम आते हैं इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो अभी क्या हुआ, आपने फटाफट एक बहाना ढूंढ लिया, ठीक है, आपने प्रॉब्लम्स ढूंढ लिया, आपने सॉल्यूशन नहीं ढूंढा और आपने ब्लेम अपना दूसरे पे डाला। चाहे वो एग्जाम कम आए, चाहे आपका वेट बढ़े, चाहे आप एक्सरसाइज ना करें, एवरी टाइम इन लाइफ हम अपना जो ब्लेम है वो दूसरे पे डालते हैं। ये गलत है, उसकी वजह से, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। कभी आप ये नहीं सोचते कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। द प्रॉब्लम इज यू, प्रॉब्लम आपके अंदर है, ठीक है। तो आपको इस चीज को, इस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे आप रियल सॉल्यूशन पे नहीं आएंगे। क्योंकि रियल सॉल्यूशन कहां निकलेगा, रियल सॉल्यूशन आपके अंदर से निकलेगा, और रियल सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आपको रियल प्रॉब्लम पता होगी। तो रियल प्रॉब्लम बाहर नहीं है, रियल प्रॉब्लम आपके अंदर है। तो आपको अपने आप को ठीक करना है, आपको स्टॉप करना है दूसरों को ब्लेम करना, आपको स्टॉप करना है जो कॉजेज ऑफ आपकी लाइफ में फेलियर है बाहर ढूंढना। फेलियर का कॉज आप खुद हो, ठीक है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपकी खुद की वजह से हैं। तो लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लो। लाइफ में जो भी आपके गलत हो रहा है तो आप ये मान के चलो कि प्रॉब्लम आपके अंदर है, दूसरे में नहीं है प्रॉब्लम आपके अंदर है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा सब चीजों, आपके स्टेप सारे गलत होंगे, जो सॉल्यूशन आप निकालने जाओगे प्रॉब्लम का वो गलत निकलेगा क्योंकि प्रॉब्लम आपके अंदर है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू से टू योरसेल्फ, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है आई एम रिस्पॉन्सिबल, दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फॉल्ट आपके अंदर है, पहली चीज ये। अब ये आपने डिसाइड कर लिया, बहुत अच्छा आपने एक डिसीजन लिया कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मैं उसको चेंज करूंगा। अब क्या करना है, डिप्रेस नहीं होना, आपको ये नहीं करना कि क्या कहते हैं मैं ऐसा हूं। कई लोग क्या होते हैं फिर डिप्रेस हो जाते हैं। आप क्यों नहीं अपने ऊपर ब्लेम लेते, क्योंकि हमें लगता है जब हम ये मानना शुरू करेंगे कि ब्लेम अपने ऊपर लेंगे या हम ये मानेंगे कि प्रॉब्लम्स हमारे अंदर है, तो क्या होता है लोग डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है तो कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि लोगों को लगता है मेरे अंदर कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो देन दे गेट सैड, वो परेशान हो जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं। नहीं, आपको परेशान नहीं होना, आपको डिप्रेस नहीं होना, आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशन। तो ये चीज है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि आपको डीमोटिवेट करूं या आपको डिप्रेस करूं या आपको सैड फील कराऊं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप रियल चीज तक पहुंच के उसका सॉल्यूशन निकालो। आई डोंट वांट यू टू जस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, ठीक है, आई वांट यू टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर देम। और एक चीज ध्यान रखना, जिस भी चीज पे लाइफ में आप फोकस करोगे वो चीज बढ़ती है। दोबारा बोल देता हूं, जिस भी चीज पे आप लाइफ में फोकस करोगे वो चीज आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है, लोग प्रॉब्लम से फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती आती है, एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम। नहीं, आपको प्रॉब्लम से फोकस पूरे टाइम प्रॉब्लम से फोकस नहीं करना, आपको सॉल्यूशंस निकालने। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन फटाफट सॉल्यूशन निकालो, आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशन निकालो। तो फोकस ज्यादा कहाँ होना चाहिए, आपका ध्यान ज्यादा कहाँ होना चाहिए, सॉल्यूशंस पे, प्रॉब्लम्स पे नहीं। अगर आप प्रॉब्लम्स गिनाते रह जाओगे तो आप प्रॉब्लम्स में ही फंसे रह जाओगे, सॉल्यूशन नहीं निकालोगे। देखो,
मेजोरिटी ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, मेजोरिटी ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड 99% जो लोग हैं दुनिया में प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करते। सक्सेसफुल इंसान में और अनसक्सेसफुल इंसान में, पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना, सक्सेसफुल इंसान में और एक इंसान में जो अनसक्सेसफुल है, जो फेलियर है, फर्क सिर्फ यही होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी होती हैं, लेकिन वो अपना जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्लम्स की खुद पे लेते हैं और उनका जो फोकस होता है वो सॉल्यूशंस पे होता है। दे वर्क ऑन सॉल्यूशन फाइंडिंग, दे वर्क ऑन सॉल्यूशन फाइंडिंग। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं, आपको ब्लेम अपनी लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? सॉल्यूशन पे। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? सॉल्यूशन पे। सैडनेस, डिप्रेशन ये सब नहीं लाइफ में, इसको फेंक दो साइड में। प्रॉब्लम फोकस कहाँ रखो? अपना सॉल्यूशंस पे। तो गाइज ये था वीडियो मेरा, इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। और देखो मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ नंबर ले आओ लाइफ में, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके 95 आते हैं, कॉलेज टॉपर होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़े हैं, लेकिन लाइफ में जरा सी प्रॉब्लम्स आती हैं वो फुस्त हो जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। लाइफ उनको लगता है बेकार है, किसी काम की नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी पर्सनैलिटी अंदर से ग्रो करे। आई डोंट वॉन्ट, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके 55 आए कि आपके 45 आए, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि आपकी पर्सनैलिटी अंदर से चेंज हो रही है कि नहीं। बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज यू फ्रॉम इनसाइड, नॉट जस्ट फ्रॉम आउटसाइड। मैं सब ये नहीं चाहता कि आपके मार्क्स आ जाएं, आप स्कोर कर लो, नहीं। मैं चाहता हूं कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो, आप इंटरनली स्ट्रांग बनो। इससे क्या होगा, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कुछ भी नेगेटिव आ जाए, कितना भी खराब हो जाए, आप बढ़ते रहोगे आगे। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें, इसे शेयर करें, ताकि मैं आपके सामने इस तरह की और वीडियोस लेके आता रहूं। और इंस्टाग्राम को नीचे लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़े। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।